Hello students, so we are discussing about the crop production and management, and we have also discussed the basic practices of cultivation activities. First is preparation of soil, second is sowing, third is application of fertilizer and manure, fourth we discussed about jalasechan or irrigation, next we discussed about the weeding जोटा कि अनावना गाछ को दमन करने टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट दि हार्वेस्टिंग. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कल्टिवेशन व्हेन क्रॉप्स यू गट द क्रॉप्स और क्रॉप्स वे आर इन द फील्ड देन इट हैज टू बी मेंटेन प्रॉपरली एंड इट शुड बी कट एंड गेट इन टू यर हाउसेस. सो आम क्रॉप्स आमर जब फसल अमल है पाकल फसल को काटी खड़ा को आने को चेस्टा करूँ दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज वेरी इंपोर्टेंट. ओके दिस हार्वेस्टिंग व्हाट इज हार्वेस्टिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप आफ्टर द मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर से फसलटा पाकल होगा घर को आने प्रोसेसटा को हार्वेस्टिंग बा अमल कहुए. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड जिते बम क्रॉप्स को कटिंग करूँ से आमर कौन कह ग्राउंड टू टी मानने कम दूरतार ग्राउंड को लगे आम काटा पड़े. इट इज यूजुअली 3 to 4 months फर दि सीरियल अफ क्रॉप्स टू मैच्योर. सो यूजुअली टेक्स 3 to 4 months 3-4 months पर आम फसल अमल करूँ जो आम फसल हो जाए फसल लगे 3-4 months पर फसल को आम अमल करूँ काटू नहीं कि. सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज इधर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन. सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज यूज सिकल हियर अनदर वाइज हार्वेस्टर्स बुझेगा फसल कटा जंत्र बा आमर जो सिकिल बोले दा दा जोटा कहे. ओके सो द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाप्स. सो ये आम फसल पाइले सो क्रॉप्स वर ग्रोन इन द फील्ड दे व्हेन दे कट एंड ब्रिंग देम वी ब्रॉट देम टू आवर होम. सो दिस हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स व्हाट चाप्स. चाप्स मैंने कौन जो अगाड़ी गुड़ाक चशु गुड़ाक से गुड़िक सब आम ग्रेन दानारू सीड्स टू अलग करवा दरकार कहते थ्रेसींग. सो थ्रेसींग इज ए प्रोसेस इन विच क्रॉप्स इज सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोठु चाप्स. ओके सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाप्स इट्स कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन. सो कंबाइन गोटे मशीन अच्छी जहाद्वारा कि आम कौन करूँ ए कंबाइन मशीन रे यू सी हियर कंबाइन दिस कंबाइन इज ए मशीन विच हेल्प्स अस इन कटिंग द क्रॉप्स एंड आल्सो थ्रेसिंग. ओके सो यूज इट इज कंबाइन इज यूज एज हार्वेस्टर एंड आल्सो इट इज थ्रेसर. ओके नेक्स्ट यू शैल सी फार्मर्स आर फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाप्स बाय विनोइंग. विनोइंग मेथड इज आल्सो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाप्स जो अगा अनाबना जो मंजी थी से शुखला मंजी थी से गुड़ आम भल दाना गुड़िक ग्रेन गुड़िक सेपरेशन करवा आवश्यक होता है कहते विनोइंग. सो विनोइंग आल्सो ए भेरी इंपोर्टाट टर्म इट विल कम टू कम इन योर एग्जामिनेशन. सो विनोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप्स दैट इज कॉल्ड विनोइंग मशीन. मशीन द्वारा मध्य आम उड़े पारू आम साधारणत कुला मध्य व्यवहार करता. ओके सो व्हाट इज हार्वेस्ट पीरियड यू सी हार्वेस्ट पीरियड माने अमल उत्सव. हार्वेस्ट पीरियड माने कौन. सो देख पे आम जब फसल उत्पाद मान फसल जदि भल है कृषक को आनंद दिए नहीं कि. सो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क्स देयर कम्स
द डे ऑफ द हार्वेस्ट तीन चार मास परे गोटे अमल समय आसे द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड देखो साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विथ ग्रेन फील द हार्ट्स ऑफ द फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबीइंग माने जत्ते बेले फसलटा भरपूर होगी क्षेत्र थाए से कृषक को जय दिए आनंद दिए आ सेंस ऑफ वेलबीइंग से बहुत खुशी अधीर हो जाता है ना कि द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बर्न फ्रूट्स एंड इट इज द टाइम ऑफ रिलैक्स एंड एंजॉय लिटिल ये समय जी सब सी हार्ड वर्क करतापर से एंजॉय करने किसी समय तक दरकार हुए एंजॉय करा मन हुए ना कि द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ आवर इंडिया आमर भारत सबुआड़े ये जो हार्वेस्टिंग पीरियड टाक मना जाए अमल उत्सव कहते ओडिया मना जाए जमी पोंगल पोंगल मान बैशाखी होली दिवाली बिहू एगुड़ाक सब डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सब उत्सव पालन करा जाए सो डिफरेंट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आर अरेंज्ड और डिफरेंट फेस्टिवल पीरियड्स आर ऑब्जर्व इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आर इंडियन कंट्री नहीं कि जमती पोंगल पोंगल कौटे हुए कहल पोंगल पोंगल उत्सव कौटे हुए पोंगल साउथ इंडिया रे पोंगल उत्सव हुए सेमती बैशाखी बैशाखीटा नॉर्थ इंडियन रे पंजाब जम्मू काश्मीर एगुड़क बैशाखी सब पालन करती बिहू तो जान तुम्हें आसाम रे नहीं कि बिहू बिहू उत्सव आसाम रे होली दिवाली नवन्य एगुड़ाक सब आम भी पालन करूँ ओके सो दिस वाज दि फेस्टिवल पीरियड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस फेस्टिवल पीरियड फेस्टिवल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पीरियड ओके सो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल अमल उत्सव कू उत्सव कू राज्य सब पालन करती से गुड़िक भी तुम मन रखा दरकार सो फसल अमल हो गला वी हार्वेस्टेड द क्रॉप्स देन वी हैव टू आवर टैक्स इज टू स्टोर देम इन प्रॉपर वे सो स्टोरेज स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट टैक्स इन दि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ठीक है सो इफ क्रॉप्स ग्रेन्स आर टू बी केप्ट इन लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इनसेक्ट एंड रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि आमर बहुत दिन पर्यंत तुम फसल को रखापी चाहू से गुड़िक विभिन्न प्रकार कीट पतंग मूषा तथा अणुजीव मानू दूर रखा पड़ो बोले बसी दिन से लास्टिंग कर द फ्रेश क्रॉप हाज मोर मॉइस्चर आमर जो प्रथम प्रथम जो आम अमल करूँ फसल काटू मन कर धान काटापुर से गुड़िक कौन उदाड़ी अंश थाए से गुड़िक कौन करती दे सुड बी प्रॉपरली ड्राए से गुड़िक सुखेबा दरकार नहीं कि इफ फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय दि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि कौन सी प्रकार जदि फसल को अमल कर सारापुर से गुड़िक तुम न सुखेब आ रखिदेव से गुड़िक विदाउट ड्राइंग जो तुम रख ल दे गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय माय ऑर्गेनिज्म्स ओके से गुड़िक विभिन्न प्रकार अणुजीव मान द्वारा नष्ट हो जाती जमी फंगी बैक्टीरिया पिंपी मारी जाती तुम सब जाच भलसे आगे भी पढ़ीच हेन्स बिफोर स्टोरींग देम हेन्स बिफोर स्टोरींग देम द ग्रेन्स आर सेपरेटेड ड्राइड इन सन टू रिड्यूस दि मॉइस्चर इन देम से जो मॉइस्चर आर्द्रता ओदा अंश जो रही से गुड़िक सुखेबा दरकार दिस प्रिभेन्ट दि आटाक्स अफ इनसेक्ट पेस्ट बैक्टेरिया फंगिस यहाँ सब सुखेदे से गुड़िक आम कौन हुए जो बैक्टेरिया फंगी पेस्ट मानने विभिन्न प्रकार जीव कीट पतंग एगुड़ी ठूँ रक्षा मिले फार्मर्स स्टोर्स नहीं कि सेगुड़िक भल जगह रखापी सिलोस व्यवहार करती ग्रेनेरी व्यवहार करती ये कौन पचार देख झीटा आई सॉ माय मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन दि आयरन ड्रम कंटेनिंग दि व्हीट आमर घरे माँ मैंने कौन करती किसी निब पत्र आमर जो जो ड्रम्रे आयरन ड्रम दस्ता पत्र गोटे बड़ डबारे जो रखू सेगुड़िक निब पत्र कहीं सेगुड़िक निब पत्र द्वारा
जो पित्तांश थाए से गुड़िक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़िया को दिए नहीं। सो स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स बुझेगा कि नहीं आमर जूट बैग्रे अखारे रखती अखा तो जान आम स्कूल भी सब विभिन्न अखारे चावल रखा जाए मेटालिक बीन दस्ता पात्र रखा जाए। हाउएवर इन लार्ज स्केल स्टोर ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रानरीज। ओके सिलोज मान तुम ये चित्र देखिपार सिलोज सिलोज देख सिलोज चित्र सिलोज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन के बड़ बड़ डबा गुड़िक रखाई सब ग्रानारी बोले बड़ घर जोटा थी ग्रानारी से कहते। ओके सो ग्रानारीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट इंसेक्ट्स रैट इंसेक्ट मान रैट मान मूसा इनसेक्ट मान सब विभिन्न प्रकार जीव देखिए गुड़ाक रक्षा मिले रक्षा करने से गुड़िक सिलोस विभिन्न अखारे रखू कि ग्रेनेरी बड़ घर कर सुरक्षा सुरक्षित भाव रखू नहीं कि सो ड्राइड नीम लिवस देख आउ थे आसला ड्राइड नीम लिवस आर यूज फर स्टोरींग फुड ग्रेन्स आट होम आम घर तो पखापाखि निम्ब पत्र व्यवहार करोरींग करने स्टोरींग लार्ज क्वांटिटी अफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउनस गोडाउनस बड़ बड़ गोदाम गुड़ाक रखा जाए। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम विभिन्न केमिकल ट्रीटमेंट करके। सो आमर सब कल्टिवेशन प्रैक्टिस गुड़ प्राय सब सरीगला आम फसल उत्पादन करदे अमल करदे अमल करकी सुरक्षित भाव रखीदे। सो एबे देखिबा फुड्स फ्रॉम एनिमल्स खाली आम कौन प्लांट रू फुड पाऊ कि आम फुड आम एनिमल्स मानक एनिमल्स मानक पशु मानक आम किसी खाद्य पाई जमी मिल्क कौटू काज बफालज सी गोट सी कैमेल्स एगुड़ी मिल्क प्रोडक्शन होता है तुम सेमती मीट एग एगुड़ाक सब लिख एक्टिविटी 1.3 तुम फिलअप करने को चेष्टा कर उदाहरण स्वरूप कौन मिल्क तो जान लो कौटू आसे काओ टू बफालो टू सी गोट टू एगुड़ी को मिल्क पाऊ सेमती ये आम लिखिपर एग 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 कौटू आसे चिकेन रु आसे तुम भल भाव जान मीट चिकेन गोट फिश आम मीट पाई पार नहीं कि ऑयल 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 कौटू कौटू मिले तुम ऑयल जान ऑयल ऑयल कौटू कौटू पाईपर फिश ऑयल कॉड लिवर ऑयल एगुड़ी को आमर जो एनिमल मानू यू खाद्य आम पाई जमी मिल्क मीट एग ऑयल एगुड़ी को आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप यू मस्ट हाव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सो नॉट ओनली प्लांट्स वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया जो समुद्र तट जो लोक मैं रोचान कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश इन मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स तुम जानते कलकतार लोक मैंने खाली माछ बेसी खाते नहीं कि समुद्रकूल रे जमी आमर गोपालपुर हो पुरी हो एगुड़क लोक स्थान लोक मैंने बेस फिश कंज्यूम करती डाइट्रे नहीं कि। सो वी हाव आल्सो जस्ट सीन दैट प्रोसेस अफ क्रप प्रडक्शन इनवल्वस नंबर अफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन अफ सुइड सोईंग एंड डिफरेन्स मान आप्लिकेसन अफ फर्टिलइजर्स तापर आम देखले विडिंग देखले आम कौन हार्वेस्टिंग स्टोरेज अफ देयर क्रप्स सिमिलरली एनिमल्स मानू प्रपरली केयर नवा दरकार। सो ये गोटे इम्पोर्टाट टर्म आसला एनिमल हजबेंड्री व्हाट इज एनिमल हजबेंड्री। सो एनिमल हजबेंड्री इज द प्रोसेस अफ रिंग एनिमल्स ओके इन फार्मस और इन होम्स बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर व्वेन दिस इज डन इन लार्ज स्केल जिते आम प्राणी मानक एनिमल हजबेंड्री एनिमल्स गुड़ाक
So when animals reared at home or in farms in large scale, provided with proper food, shelter and care, jatno neba semanku tankaro darkar mutabak food provide kariba tankaro basasthan sobule safa sutra rakhiba ei sob proper dhangale jodi ame kalle seta kanti animal husbandry. Very good. So fish is good for health. We get cod liver oil from the fish, which is rich in vitamin D. Eta madhye tame mon rakhibo fish re amar vitamin D thae. So it was the we covered the first chapter. Okay, so whatever you are learning from this YouTube videos, you have to remember this. And you have to note down everything what you learn from this topic. Okay, try to write the notes and try to write the question answer. I will send the question answer. You have to answer all the questions given in your books. Okay, to pila mane nischit habe tame eguliko koribo boli mor asha. So prashna uttar sabu koribo au lekhiki mate pathebo. So here we end our first chapter and I wish you best. Samaste ghare thao, bhalare thao, jetele school kholibo ame nischita dekha haba sei bhitare ame kichhi kichhi ame ghare rahi patha paduthiba. So education is not for only examination but for knowledge. Ame kichhi sikhiba jaha ki amar bhabishyatare seta kamare asibo. Thank you all.